हिमाचल में संख्या के हिसाब से आज 68 विधायक पूरे हो गए हैं। आज धर्मशाला से विशाल नेहरिया और पच्छाद से रीना कश्यप के शपथ लेते ही संख्या बल पूरा हो गया है। इन दोनों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डॉक्टर वाई एस परमार पुस्तकालय भवन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। सीएम जयराम ठाकुर ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सरकार की ओर से करवाए जा रहे विकास को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 साल का कार्यकाल बहुत होता है, इन विधायकों को सीखना भी है और जनता के लिए काम भी करना है। भले ही चुनाव के दौरान चुनौतियां रही हो, पर ये दोनों सीटें पहले भी बीजेपी के पास थी और अब भी बीजेपी के ही पास है। शपथ ग्रहण करने के बाद रीना कश्यप ने सीएम जयराम ठाकुर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और क्षेत्र की जनता के लिए काम करने का वादा किया। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम जयराम ठाकुर के अलावा आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह, कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे, सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज विधानसभा में 2 नए माननीय सदस्यों की विधिवत शपथ हुई है, जो उपचुनाव धर्मशाला और पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में होना था वो हो लिया। चुनाव के परिणाम निकल गए और धर्मशाला से श्री विशाल नेहरिया नौजवान विधायक जो है विधानसभा में पहुंचे हैं, और उसी तरह से सिरमौर जिला के अंतर्गत पछाड़ विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती रीना कश्यप जी चुन करके आई हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। नई जिम्मेवारी आप दोनों के ऊपर जिस रूप में है और जो कार्यकाल हमारा विधानसभा का शेष है, उसमें आपकी भूमिका विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सक्रिय रूप में निश्चित रूप से मिलेगी, और अपने अपने क्षेत्र के लिए विकास के कार्य जो चल रहे हैं उन विकास के कार्य को गति देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों आप पूछ लो प्रश्न, मैं उधर जा रहा हूं। ये दोनों चुनाव अंतर होता है, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ होता है और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, और ये उपचुनाव जो है खास तौर से विधानसभा का ये चुनाव थोड़ा हट करके होता है स्थानीय मुद्दे यानी कि वहाँ के जो जितने भी मामले होते हैं उन सारे मुद्दों को लोग उठाते हैं, और उसके साथ साथ में प्रदेश का नेतृत्व ये उन पर केंद्रित होता है, जो कैंडिडेट होते हैं उन पर केंद्रित होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोकसभा के चुनाव में भी हमने दोनों विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की थी। चारों लोकसभा क्षेत्र हमने हिमाचल प्रदेश में जीते हैं, चारों सांसद हमारी पार्टी के बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है। और उसी प्रकार से विधानसभा के दोनों उपचुनाव में भले ही चुनौतीपूर्ण रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। पहले भाजपा के पास थी और दोनों सीटें अब भी भाजपा के पास है। कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, सिर्फ 2 ही बातों को नहीं रखा जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है 7 और 8 तारीख को, इसके पश्चात केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद आवश्यक जो मंत्रिमंडल में फेरबदल और मंत्रिमंडल में इंडक्शन जो है नए सदस्यों की, इसकी संभावना प्रबल है, और जब ये संभावना हमको पूरी होती दिखेगी आपको सूचित कर दी। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट।